क्यों इधर से उतर जाओ। बारिश जब आ जाए ना फिर हमारे इलाके को। नहीं गिरते, आप क्यों गिरेंगी? मैं आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? मैं बताऊँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ मेरे खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह खिलखिलाते रहें। तो मेरी दुआ है जो मेरे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक सालियत औलाद अता फरमाए और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। तो प्यारे बहन भाइयों, हम जो है आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं और हम वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें और वीडियो को पूरा फुल वॉच किया करें और स्किप मत किया करें। आइए चलते हैं। आज जो है हम जहाँ पर रेगिस्तान में आए हुए हैं तो हम आपको वहाँ पर माहौल भी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि अमन कहाँ पर है। तो आइए रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे बहन भाइयों, अमन जो है यहाँ पर मौजूद है और डिब्बे पर चढ़ रही है। ये देखिए महमूद, आके क्या कर रहे हो बेटा, गिर जाओगे? नहीं गिरते, मुझे भी हाथ दो, मुझे भी हाथ दो, मैंने भी ऊपर चढ़ना है। तो ये देखें जी, ख्याल से ख्याल से। हाँ तो प्यारे बहन भाई देख सकते हो मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये माहौल देखें, ये हरियाली यहाँ पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हवा जो है ना बहुत जबरदस्त चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है मेरे पीछे जो है ना, आ जाए जी आ जाए, थैंक यू। मेरे पीछे जो है आप हरियाली नजर आ रही है, ये देख सकते हैं आप, ये गंदम है ये वाली। हाँ जी ये देखें, ये गंदम है और ये जो है ये घास है, पानी लगाया हुआ है घास के अंदर। मेरे ख्याल में ये दूसरा कौन है, कमाद है या नहीं? कमाद है यार, नहीं घास ही है। कमाद वो जो होता है, कमाद वाली ज्वार नहीं होती, ये वो है जो जानवरों को घास घास ही होता है। ये भी यानी गन्ने गन्ना नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, ऊपर ऊपर देखे इतने ऊंचे ऊंचे डिब्बे हैं, ये देखे मैं ना चल नहीं सकती हूँ, मुझे ना चलना नहीं आता। चाहो तुम मोटी हो गई हो? नहीं मोटी नहीं हो रही, मुझे ना चलना नहीं आता। ये देखें, ये आप बिल्कुल मुझे देख सकते हैं कि मैं कितनी ऊंचाई पर खड़ी हूँ। ये जो टिब्बे पे चढ़ी हुई है जी, टिब्बे पे। हाँ जी ये देखें, इतने बड़ी बड़ी ऊंचाई पे है। और एक मिनट भाई साहब, आप भी आ जाए। मैं भी आ जाऊँ? हाँ ऊपर आ जाए, ऊपर से ना बिल्कुल अच्छा माहौल दिखता है। आप आ जाए, हाथ दे दूँ? यहाँ पर जो है ना ऊपर टिब्बे पे ऊपर चढ़े हुए हैं। हाँ। और आपको बहन भाइयों को जो है ना हम दिखा रहे हैं यहाँ का माहौल, का इलाका मुझे तो बहुत पसंद है। आपको बहुत पसंद है? है कि मेरे भाई मेरे बहन भाइयों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखें, लेकिन ये जो है मेरे मामू का घर है जहाँ पे हम आए हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये छत है, छत है। हाँ यार ये छत है, लेकिन ये देखे ना ये टूटी हुई है बारिशों की वजह से जो है ना, ये सब जो है ना छतें वगैरह ये वो जो है ना टूट गई हैं, गिर गई हैं और ये छपरा है। हम जो है अभी टिब्बे के ऊपर चढ़े हुए हैं, इसलिए आपको जो है ना ऊपर छत छत का माहौल नजर आ रहा होगा। नहीं पूरे घर का विजिट कराएंगे, ये ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब ये छत वाला, छत नजर आ रही होगा आपको। मुश्किल हो जाता है, कैसे उतरे कैसे चढ़े मुझे समझ में नहीं आता। क्यों? हाँ यार देखो ना गिर जाऊँ तो। नहीं नहीं गिरते, आप क्यों गिरेंगी? हाँ। मैं आपके साथ। बहन भाइयों ने दुआ करनी है मेरी वजह से, क्योंकि मैं ऊपर चढ़ते और उतरते वक्त गिर भी ना जाऊँ। मेरी आप मेरी जो है ना दुआ आपके साथ है। हाँ आपकी तो बिल्कुल, दुआ तो मेरे लिए ही होती है ना। हाँ तो अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और हमेशा मेरे साथ रखे। हाँ आमीन सुम्मा आमीन। आ जाए ये देखें, ये घर का जो है
ये हिस्सा देखेंगे आपका। तो ये देखें, ये जो है अंदर वाली साइड दिखाया ना आज साहब, ये जो है क्या, ये जो है ये देखें इतनी नीचे जो है छत इन लोगों ने लगाई हुई है। ये देखें मेरे सर के ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सिर सर पे उठाई हुई है। ये देखें नहीं, ये टूटी हुई है ना, ये देखें बांस टूटा हुआ है, नीचे नीचे गिरने वाली है ना, ये देखें छपरा जो है ना, ये असल में ये जो है बनाई हुई है ना उन्होंने, ये चाय खाना वगैरह बनाने के लिए बनाया हुआ है, छपरा बनाया हुआ है, चूल्हा है यहाँ पर, यहाँ देखे चूल्हा है और ये छपरा वगैरह है। इस तरह भी देखें, ये दीवार वगैरह नहीं, ये है ये दीवार जो है ना ईंटों की तो नहीं है, यहाँ पर उन्होंने जो है ना तप्पल बना के दी हुई है। ये कान वगैरह या तो जो सर वगैरह होते हैं, यानी कि सर अपना सर नहीं, ये तार होते हैं। हाँ, तार होते हैं। ये देखें इस साइड भी देखें, ये दूसरा छपरा है। हाँ ये भी है, यहाँ भी चाहे बच्चे सोते हैं इस छपरे के नीचे। हाँ रात के वक्त सोते हैं, ऊपर देखो ना इतनी ठंडी में इधर बाहर खुले में सोते हैं, क्या करें, उसके पास कमरा भी नहीं है कोई, और मतलब रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसा ही बनाया हुआ है इन लोगों ने। ये नजर आ रहा है छत के ऊपर से, छत से ऊपर से आपको गले नजर आ रहे होंगे, ये देखें। हाँ ये देखें, ये ऐसा मैं ऐसा करती हूँ ना, ये मेरा हाथ जो है ये बाहर चला जाता है, ये देखे। हाँ ये देखे, ये देखे, हाँ इसके नीचे ना मेरे भाई सोते हैं। ये भाई मतलब मेरे, हम जो मामू के यहाँ आए हुए हैं ना, उनके जो बेटे वो भाई होते हैं ना, मामू फूफो या खाला, और खाला। हाँ ये देखें, ये भी जगह बनाई हुई है ना, जाने ये किस चीज़, गेट नहीं है इसमें, यार तप्पल लगाया हुआ है, ये देखें तरपाल लगा हुआ है, वो तप्पल तरपाल, तप्पल नहीं होती तरपाल होती है। चले ये आपको ज्यादा पता होगा, इधर इधर दिखाएं, अंधेरा भी है ऊपर से ना रोशनी, ये देखें ये जो है ना हमने ऊपर आपको दिखाया था कि जो है ना छत को गले निकले हुए, और ये भी देखे सुराख, ये देखे इधर बिल्कुल टूटी हुई है, ये देखे मतलब इसका ना बुरा हाल है, बारिशों ने ना इस बेचारों के तो शर्मशर कर दिया जैसे कहते हैं ना, और इतनी आमदनी भी नहीं है ना इनकी। हाँ। आमदनी भी नहीं है कि दोबारा इसको सेट कर सके, सोते भी खुले में है, बारिशों की वजह से जो है बारिशों की वजह से जो है ना जो सब कुछ तहस नहस हो गया है, इनका मकान जो हमने दिखाया है आपको ये वाला, तो बारिशों की वजह से इनकी छत भी गिर गई है, नीचे से दीवारें भी जो है ना गिरना शुरू हो चुकी हैं, और ये जो होते हैं ना ऐसे बनाते तो हैं बेचारे, जब भी कोई बारिश का मूड होता है या बादल वगैरह जो अंधारी वगैरह आती है ना वो गिर जाते हैं, फिर बनाने पड़ते हैं। बारिश का भी मूड होता है? हाँ यार मूड होता है ना, जब बादल हो जाते हैं पता लग जाता है ना कि यार आज बारिश होने वाली है, आज लगता है बारिश का मूड है, ऐसे नहीं कहते हम लोग, कहते हैं ना, कहते तो हैं आज बारिश, मुझे ना ऐसे झूठा मत किया करो। नहीं मैं झूठा तो नहीं कर रहा हूँ आपको, ये देखो ये क्या है, ये देखो कितनी प्यारी क्यूट क्यूट सी, ये देखे ये मुझे नहीं पता कि ये क्यूट सही नहीं है, क्यूट सा है क्यूट सा है या सी है, सा है यानी बकरा है, ये तो समझ नहीं आ रही, ये तो बकरा है ना। हाँ। अच्छा ये नीचे क्या है ये? हाँ ये तो माशाल्लाह पता है, मुझे लगता है बिल्ला है, बिल्ला बिल्ला बहुत बिल्ली प्यारा है। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मामू कह रहे हैं ये ले ली है, इसको बोल रहे हैं इसको उठाओ यार, ये नहीं मुझसे नहीं उठता, ये देखे ये भाग रहा है, नहीं भाग रहा ये उठता है, ये देखे खुद ही उठा ले आज साहब। हाँ ये देखे नहीं प्यारा सा, क्यों मुझे तो डर लगता है, ये देखे हाजी साहब ने ना उसे उठाया हुआ है गोदी में, ये बिल्ला है जी माशाल्लाह, ये फूफो ने जो है पाला हुआ है इसको, वाह जी वाह, ये देखे फूफो जो है ना जानवरों की जो है ना खास ख्याल रखती हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, बच्चों की तरह, ये देखें ऐसे ही अगर दूसरा होता तो वो हमें जो है झपट्टा मार के भाग जाता। हाँ ये इसलिए उन्होंने पाला हुआ है ना, तो इसलिए जो है ये हमारे, नहीं हाजी साहब अगर वो दूसरा होता तो आपको भी बता देता, अपनी नस्ल भी बता देता कि मैं कौन हूँ। हाँ ये जो मैंने खुद उठाया हुआ है, ये देखो ये कुछ भी नहीं कह रहा, मेरे पास ही है आराम से। अच्छा जी ठीक हो गया, चलो भाई जाओ भाग जाओ। हाँ जी तो ये है मेरे मामू जी, अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक है। ठीक हो? तबीयत से ठीक है, घर में बच्चे सब ठीक हैं? सब ठीक ठाक। तो आजकल क्या काम कर रहे हो? आज
आजकल गुर्बत छाई हुई है, हम क्या कर सकते हैं। आपकी तबीयत? मुझे खांसी शांसी बीमारी दमा रहता है। आप तो कुछ कर नहीं सकते होंगे? कुछ ठीक हो गया। बच्चे वगैरह जो हैं और वही पे काम करते हैं। अच्छा जी, ठीक हो गया। किसी की मजदूरी करते हैं, किसी कुछ करते हैं, ठीक हो गया। गुजारा होता है, फिर रोटी खाने का जरिया बन जाता है। ठीक हो गया, मतलब कि आपके पास इतना नहीं है कि आप ये जो जगह वगैरह है सेट कर सके? हमारे पास कुछ नहीं है। ताज़ी रोज़ी करते हैं ना, ताज़ी रोज़ी करते हैं, यानी कि ताज़ी एक टाइम के करते हैं और शाम को जो है ना वो लेके खाते हैं। हाँ, जियारी की तरह, जैसे जियारी पे मजदूर करते हैं ना। हाँ, ये बात है। इतना वसाइल नहीं है कि हम कोई मकान बना सकें या कुछ। हाँ, ये बात है। जो बनाई हुई है वो बारिशों की वजह से जो है ना सभी गिर गई है। वो भी गिर गए हैं। तो आपका मतलब है कि आप लोग यहाँ अकेले रहते हैं, बच्चे वगैरह मेहनत पे हैं? बच्चे वगैरह वहीं हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो ये है खाला। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक हो? ठीक, अल्लाह करम नवाजी है। अच्छा जी, तो ये क्या आपने रखा हुआ है साथ में? ये पत्ते रखे हुए हैं। पत्ते? इसके साथ क्या करेंगी? ये पट्टी बनाऊंगी, मंजी बनाऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक हो गया, मतलब इससे आप मेहनत मजूरी करते हैं, आपका खर्च चलता है। ये बनाएंगे, पट्टी बनाएंगे, यानी कि जो ये मंजे है ना, ये देख सकते हैं। हाँ, ये बुनाई वगैरह होती है। बुनाई वगैरह होती है, ये बुनाई यानी कि बनाएंगी, एक पिना बना के जो है ना बेचेंगी, फिर उससे जो भी पैसे कमाई होगी, जो भी पैसे आएंगे वो उनसे जो है ना कुछ सौदा वगैरह या कुछ जो भी जरूरत है जिंदगी होगी वो खरीद सकेंगे। तो ये देखे ना, ये एक छोटा सा मकान है, मतलब ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा ये है, लेकिन ये अंदर से ये भी टूटा हुआ है। इसके जो बांस वगैरह है ना, ये छत, ये देखें, ये भी बिल्कुल टूटे फूटे हुए हैं। ये देखें, ऐसा लग रहा है जैसे अभी गिर जाएंगे ये। हाँ, ये इन बेचारों का जो है सामान जो होता है ना वो वाला अंदर सेट हुआ है, खुद तो वहाँ जो झोपड़े वगैरह बनाए हुए हैं वहाँ सोते हैं। ये देखें, ये हाजी साहब भी मौजूद है यहाँ मेरे साथ। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ। मैंने तो आपके साथ ही रहना है। हाँ जी, तो बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारी गुजर है, दुआ है अल्लाह पाक जो है सबको, सबकी ना परेशानियां दूर फरमाए। ये देखें, ये आके महमूद क्या कर रहे हो बेटा? खेल रहे हो किसके साथ? फिजान के साथ। फिजान कहाँ है? ये बैठा है, ये है फिजान अली। फिजान अली, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? खुश है? क्या करें दावदी? खेत दावदी, ठीक हो गया, ऐसे ही खेल रहा है। अच्छा जी, तो ये हो गया घर का विजिट जो है हम लोग ने करा दिया है। तो ये देखें भाई, इसके बाद जो हरियाली है ना दूर से नजर आ रही है, आ जाए। मतलब इन लोगों का किचन वगैरह भी नहीं है कि ऐसे ही, ये देखें यहाँ पे बर्तन। एक किचन आपको दिखाया है, आपने दिखाया है ना, जो छपरा बनाया हुआ, एक चूल्हा, छोटा सा, छोटा सा चूल्हा बनाया हुआ उन्होंने। मतलब यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह भी रखी हुई हैं इन लोगों ने। ये मुर्गे खुली है ना? ये उन लोगों मुर्गियों की जगह बनी हुई है वो खुली है। यहाँ पे ऊपर बर्तन वगैरह सब कर देते हैं इसी के साथ। ये देखे बांधी, देखें ये कितना अच्छा माहौल है। नीचे तो रेत ही रेत है, ये देखें पांव घुस जाते नीचे, फिर भी मजा आ रहा है मुझे। ये इस तरफ देखें ना फूल, ये क्या है? ये जो है ना चींटियां, देखें खुराक अपनी लेके जा रही हैं, जिसे हम लोग मकोड़े कहते हैं, तो ये देखें जी, हमने आपको चोरी चोरी पकड़ लिया है, जो आप चोरी चोरी खड़े होके खा रहे थे। बाल खा रहे हैं सफेद सफेद। किस चीज के बाल है सफेद सफेद? पागल हो गए हो क्या? बाल खा रहे हो आप सफेद? भूख लगी हुई थी इसलिए। अच्छा जी, आप तो क्या है, बाल देखते हैं यहाँ कर क्या रहे थे? अच्छा किया, ये देखे आए थे, ये देखे, ये क्या है? उसुम। जैसे सुहाजड़ा होता है ना वैसे ये भी फूल है, देखे मतलब इसका सारा बनता है। हाँ जी, ये काट के उबालेंगे। आप भी बाल खाना शुरू हो गए? आप भी खा लो। हाँ जी, आप भी खा ले, मजा आता है खाने। अच्छा, आप उसों के बारे में क्या बता रहे थे? इसे ना उबाल के फिर पकाते हैं ना, जैसे मुर्गी में पकाए
आलू मटर में पकाएं, जिस तरह भी पकाएं बहुत अच्छा बनता है। इसके पौधे दिखा देना, ये नीचे छोटे छोटे ये पौधे इसी के हैं। अच्छा ये वाले, मतलब मुझे ये तो बताओ इसे तोड़ना कैसे? ये फूल तोड़ने होते हैं। ए, इतने से नहीं, नीचे से ये इधर हो जाओ। सिर्फ फूल ही, ये भी ये है ना ये। अच्छा ऐसे देखे आपने कैसे तोड़े हुए, मुझे कैसे बता रही हो? ये ना फिर फूल इसके अलादा करूंगी। अच्छा फिर वहाँ पे जाके फिर और भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये अलादा करूंगी। अच्छा अच्छा ऐसे तोड़ेंगे ऐसे? हाँ जी। ऐसे जी। ये देखे मुझे भी आ गया तोड़ना। चलो आप भी सीख जाओ, आप भी सीख जाओ। अच्छा वैसे एक बात है कि रेगिस्तान में जो है ना बहुत ही अच्छा माहौल नजर आता है। भाई हम खुश ऐसा करते हैं, इधर हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर जो है ना माहौल भी बहुत खूबसूरत लगता है। एक एक यानी कि इलाका जो है ना खुशनुमा होता है, जैसे शहरों में शोर शराबा ये वो नहीं होता है यहाँ पर, ऐसे ही ना। बहुत अच्छा इलाका है यार। वैरान सा लगता होगा ना? हाँ जी। जैसे कि हम ये निकाल लेंगे ना, ये सारे काट लेंगे राया वगैरह, तो फिर मवेशी आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा जी। यहाँ पर मवेशी चरते रहते हैं, माहौल बना रहता है, फिर भी बना रहता है। कपास बेचते हैं तो यहाँ पर नहीं होती। अच्छा। कपास नहीं होती? नहीं, पिछली बार बीजा है ना ऐसे इतने इतने से बाहर पौधा खड़ा रहा उसका। अच्छा। उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा। की बात तो ये थी ना कि दो किले बिजाए थे, एक मान निकला है। दो किलो में एक मान? दोनों किलो में से? हाँ भाई, किस्मत के तुम लोग इतने लकी हो यार। आधा मान पहले, आधा मान दूसरे बार। अच्छा आधा मान एक बार, आधा मान दूसरी बार। मैंने सोचा, हमने सोचा एक बार एक मान निकला है, तो भी दो मान होते हैं। दो एक रहे थे। अच्छा दी, ये हुई। पहली बार आधा मान हमने चुकाई की थी, दूसरी बार फिर भी आधा मान था। यहाँ का ये ऐसे जंगल में ना, वो मिले होंगे चाचू अख्तर से। जी जी। उसको वो बता रहे होते हैं जंगल में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम पकाते हैं, पकाने वाली होती हैं, हमें भी नाम भूल जाते हैं, वो बता रहे हैं। ऐसी चीजें जंगल में होती है पकाने वाली? हाँ जी, वो ना करेली होती है और सीटू होता है। मतलब इस अब है वो चीज आपका पता नहीं है, लेकिन बोलते हैं डेल है ये, पता नहीं कौन कौन सी चीज है। चाचू नाम लेते रहते हैं, हमें तो नहीं आते ना नाम। वो मतलब हमें भी पता नहीं चले। हाँ सोबिया। हाँ जी। ये सारे तोड़ने हैं? हाँ जी सारे तोड़ने। पता है मैं उस कमरे से जो खड़ी हूँ ना। अच्छा। ऐसे ओ, सीधा ऐसे चारों तरफ, इस तरफ चार, यानी ये चारों तरफ से आप घूम के आई? आपने हेल्प नहीं करी भाई, ये बुरी बात है। वो बाबे की बहन साथ है, वो भी है। अच्छा वो भी तुम्हारे? मुझे देखा था ना, मैं भागता हुआ आ रहा था, इसकी हेल्प करने आ रहा था, पुलिस अकेले में आ रहा था। वो तो हमले, भूख लग रही होगी या मूड हो रहा मीठा खाने का, इसलिए मेरी हेल्प यही होती है, मैं इसके साथ साथ घूमता रहता हूँ। जो मैं कभी भी कहीं भी चली जाओ ना, ये खाने पीने की चीजें लेके आ जाते हैं पीछे पीछे। खाने पीने के लिए आते हैं, आप भी खाएंगे वो भी खाएंगे, लेकिन काम के हाथ नहीं बटाना। नहीं, काम खुद मैं नहीं करने देती, क्योंकि मार्टर को अच्छा नहीं लगता ना कि काम ऐसे काम करें। हाँ। ऐसे काम करें वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हेल्प तो करनी चाहिए ना। हाँ बस थोड़ी बहुत जो हेल्प करवानी होती है, यानी कि लकड़ियाँ काट कर देनी हो तो हम बोल लेती हूँ कि काट के दे। जैसे कि मवेशी को पानी पिलाना हो, मवेशी को चारा डालना हो तो बोल लेती हूँ। ये हांडी रोटी तो हम खुद कर लेते हैं ना। हाँ ये काम तो मर्दों का नहीं है, इनका काम ही है हांडी रोटी झाड़ू, और क्या काम करते। उधर भाभी पानी उबाल कर बैठी हुई है, कब फूल आएंगे तो मैं उसको डालूंगी। मतलब अभी तो आप लोगों ने कहा इसे अभी तोड़ने हैं, ऐसे ऐसे पानी उबल रहा है उधर। अच्छा ये पानी में उबलेंगे, पता नहीं कितनी देर लगती है अंदर, कितना टाइम लग जाता है? बस थोड़ा सा ये पहले पानी में डालेंगे, फिर उबलेगा थोड़ा सा पानी, फिर उस पानी को यानी निकाल देंगे। हाँ जी मूंद देंगे। हाँ जी मूंद देंगे, फिर पानी डालेंगे, वो गर्म करके फिर वही डालेंगे। अच्छा दो मतलब ऐसे कितने पानी डालने पड़ते हैं? दो या तीन। जैसे साग बनता है, साग पे तो हाँ जी ये कड़वा होता है, फिर मीठा बन जाता है। अच्छा। जैसे कि साग का करते हैं। खाते हैं सब ये शौक से खाया जाता है? हाँ जी, ये जो साथ हम साए हैं ना गांव वाले, ये सब शौक से खाते हैं। पिछले साल हमने बिछाई थी ये आंसू तो सब तोड़ के ले जाते थे, इस बार हमने बोला कि हमने नहीं बिजाया, क्योंकि अपने लिए तो देखिए मुश्किल से पेड़ बनता है।
इधर रेगिस्तान में जो है ना पानी की भी तो बहुत बहुत ज्यादा किल्लत है ना। यहाँ पर नहरी पानी है लेकिन लोग बेचते नहीं है ये चीज़, जब हमारा हो जाता है उसको या साग तो आ जाते हैं। आपके यहाँ भी नहरी पानी है कि ये आप बोरा वगैरह से बीजते हैं? ये ट्यूबवेल चलाते हैं। हाँ जी, ये विजिट करा लेना आप, वहाँ ट्यूबवेल है और एक इधर है सामने, तो वो चलाते हैं। ट्यूबवेल से पानी लगता है यहाँ पर? हाँ जी, नहरी पानी नहीं आता जी, क्योंकि नीचे इधर गहरी जमीन है हमारी, ऊपर है। हाँ तो ये देख सकते हैं व्यूअर्स, ये देखें ये बंद बहुत ज्यादा ऊंची है, ये देखें। हाँ जी साहब जी, आप ऊपर जाकर दिखाएं ना, तो आप भी आ जाए ना मेरे साथ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं कैमरा पकड़ती हूँ, आप ऊपर चढ़े। नहीं आप नहीं, आप मैं ऊपर चढ़ते वक्त कैसा लगता हूँ, मैं नीचे गिर जाऊँ या नहीं? ऊपर चढ़ते हरियाली हरियाली, इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ है ना, फिर देखना बहुत मजा आएगा। एक बार जाए तो सही, चले बड़ी पसंद आती है, उधर से घर भी है। अच्छा जी, हरियाली भी है, चले आ जाए आप, चले चले आ जाए। तो ये देखें जी, आकेब जो है ना भाग कर खुद चढ़ रहा है पहले से। आकेब ख्याल से गिरना नहीं है। आकेब मुझे भी ले जाओ बेटा, आ जाओ, हाथ पकड़ लो ना मम्मा का। नहीं नहीं बेटा उधर ही रुको, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो। हाँ जी, ये देखो माशाल्लाह, ये देखें यहाँ पर तो हवा बहुत ज्यादा लग रही है, लगता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आ गए हम। नजर बहुत खूबसूरत हरियाली नजर आ रही है, ये गांव है, जो घर जो है वो भी नजर आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है आपको टिब्बे के ऊपर चढ़कर? हैप्पी, हवा बहुत ज्यादा लग रही है, आवाज मेरे ख्याल में आवाज जो है ना साफ नहीं आ रही हमारी। मुझे मजा आ रहा है बेटा, इधर आ जा, चले आ जाओ। वो देखें आंखें कहां हो जाओ, वो देखें जी, हां देखे देखे भागता हुआ आ रहा है, संभाल के बेटा। तो उम्मीद तो है, ये देखें जो है हमारा आज की वीडियो जो है बहुत दिलचस्प है, मतलब बहन भाइयों को बहुत अच्छी लगेगी। अब जो है नीचे जो है मैं उतरने वाली हूँ, जाओ तुम जाओ, आपने नहीं जाना आके, आपने नहीं जाना नहीं। क्यों? इधर से उतर जाओ आप। ये देखें जी प्यारे व्यूअर्स, मैं जा रहा हूँ बड़ी मुश्किल से नीचे पहुँची हूँ, आप भी आ जाए। मैं भी आ रहा हूँ, तू घिस के तले तले ना, किसकी ना बस धक बुला लग गए। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि हमने आज जो है मामू के घर का भी विजिट कराया था, तो वो जो है सोबिया फरमान वालों के साथ भी मुलाकात की, वो जो उसू वगैरह पता नहीं क्या कुछ जो है उन लोगों को नाम आते हैं मुझे नहीं आते, वो भी दिखाया था। इसी के साथ ही हमारा आज का व्लॉग ख़त्म होता है, तो एक नई इस ओ क्या कहते हैं यार, बोल तो सही क्या कहते हैं, एक इंशाल्लाह हम नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आपके आपके सामने पेश होंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाँ अच्छे अच्छे कमेंट करें। क्या बोल रहे हो आप? अच्छे अच्छे कमेंट करें, आपको कमेंट, आप लोगों ने हमें बताना है कमेंट में कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और ताकि हम उससे भी अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं। तो इसी के साथ ही हमारा जो है आज का व्लॉग ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज, इजाज़त, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।